ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. स्टार्ट करते हैं बच्चों. किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट? हमने लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर खत्म किया था. कहीं पे कोई दिक्कत हो? ओके, सो एज आई सेड वी विल बी स्टार्टिंग विद करंट इलेक्ट्रिसिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे. रेज हैंड कर लो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ बच्चे. यस सर, स्टार्ट करते हैं. कल के डिस्कशन का बोला है ना मैंने, हर्ष? हाँ सर. फर्स्ट हेडिंग नोट डाउन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. यूनाइटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई. पॉइंट नंबर वन, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय dt. Okay? Yes. All I is equals to q by t. बच्चे आपको वो सिमेट्री वाले नोट्स चाहिए तो वो तो मैंने लिखे नहीं, मैंने इसलिए भेज दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना. हाँ सर. तो लिखने हैं क्या? नहीं, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे. आप लोगों ने लिख लिया ना अपने अकॉर्डिंग? यस सर. मुझे लिखने की ज्यादा तो नहीं है ना, अगर है तो बता देना बच्चों. कम्युनिकेट करोगे तो मैं करके फिर वो आपको भेज दूंगा अकॉर्डिंगली. करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई हो जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी. इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज एम्पियर यूनिटेड बाय कैपिटल ए. वन एम्पियर इज वन कूलम पर सेकेंड, राइट? यस सर. थर्ड, करंट इज स्केलर क्वांटिटी. बेसिकली होता क्या है, करंट has direction it flows from higher to lower potential. Okay, but still its scalar quantity as it doesn't obey but
triangle law of triangle law of vector addition. Okay. Yes, sir. फटाफट ये पेज नोट डाउन कर लो, जो भी बच्चे कॉपी करते हैं रेज हैंड कर लो. हो गया. हाँ सर. पॉइंट नंबर फोर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इसमें ए पार्ट लिख सकते हैं हम, always opposite to flow of electrons. B part लिख सकते हम, in the direction of flow of पॉजिटिव चार्ज. तो हम कुछ भी, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके. यस सर. और ये देख सकते हैं. ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा ओम फ्लो. ओम फ्लो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज
directly proportional to potential difference. Applied across the ends of the finger. जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ठीक है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दैट इज और इसमें एंड में एक स्ट्रिप अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम. इसका क्या मतलब है ये मैं समझाऊंगा आपको है ना. सो दैट इज व्हाट आई व्हाट वी कैन राइट आई इज करंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस. नोट डाउन कर लो ये पेज फटाफट. अमन अभी सॉर्टेड है मैंने लिख दिया अदर फैक्टर रिमेनिंग से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना यस और नो. पहले ये नोट डाउन कर लो हर्ष उसके बाद देखेंगे और रेज हैंड क्या करो मैसेज लिखने से पहले प्लीज. अमन कुछ बोलना है क्या आपने रेज हैंड कर रखा है. हर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. सर हो गया
अरे एक और है यार, कोई हर्ट रन भी नहीं करता वो। चलो तो यहाँ पे करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, राइट? हाँ सर। और व्हाट वी कैन राइट, V इज इक्वल्स टू आई आर और R इज इक्वल्स टू V बाय I। ओके यहाँ पे क्या है, R इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, इसे हम यहाँ पे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। इट्स नॉट ए यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, है ना? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो अपन वो देखेंगे क्या है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन, रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, R इज इक्वल टू V बाय I। सेकेंड पॉइंट, इट्स SI यूनिट इज ओम वेयर 1 ओम इज 1 वोल्ट पर एम्पियर। ओके नोट डाउन कर लो ये पेज फटाफट। ओके हर्ष, हो गया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल length of conductor and inversely proportional to A which is cross-sectional area. Okay, so this implies resistance is equal to rho L by A.
अगेन रो क्या है, रो इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं. Proportionality constant known as resistivity. Okay. हाँ सर. है ना, तो रो की वैल्यू जो रो होता है ये इट depends on material of conductor. Material of conductor. Okay. तो यहां से रो की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये आर ए बाय एल आ जाएगा, विच इंप्लाइज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, राइट? हाँ सर. करो नोट डाउन. Krishna waiting for you. Harsh, yahan tak clear hai? Yes, sir. Fourth point. Ek term hota hai conductivity. Conductivity is equal to, पहले कंडक्टेंस लेते हैं यार. कंडक्टिविटी दैट इज इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टेंस, इज डिफाइंड एज वन अपॉन रेजिस्टेंस. ओके यस सर. जस्ट वन मिनट देना बच्चों.
कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चे जी से, रेजिस्टेंस हमारा आर होता है, तो जी इक्वल्स टू 1/r, इसकी जो SI यूनिट होती है SI यूनिट इज ओम इनवर्स, और मो MHO, OHM का उल्टा कर दिया MHO, ओके ऐसे ही आता है नेक्स्ट कंडक्टिविटी. Conductivity is denoted by sigma. This is equals to 1 upon resistivity. Okay. Yes. यहाँ तक क्लियर है, लिख लिया. चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर एक आध क्वेश्चन देखते. Done, sir. ठीक है. इसके क्वेश्चन देखते हैं. अरे सॉल्व बच्चों, रीजन कर लो व्हाइल सॉल्विंग. हाँ मन ठीक है.
संयम, ईशान, केविन, प्रशांत, प्रशस्त, करेक्ट है? लास्ट वन मिनट. यस. बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, पहले ही कनेक्ट करो. हर आवाज आ रही है बच्चे? हाँ सर. ये स्क्रीन हट जाए. हाँ बच्चे, प्रशांत प्लीज लोअर योर हैंड. तो हमें क्या दिख रहा है, बी और ए में अगर हम ग्राफ देखें तो सेम वी के लिए आई बी छोटा है और आई ए बड़ा है. हाँ सर. सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सेम वी आई बी इज लेस देन आई ए. हाँ सर. विच इंप्लाइज आर बी विच इज इक्वल टू वी बाय आई बी will be greater than RA B by IA. Yes, sir. And as R is equals to rho L by A. So this implies RB, which is rho LB by A, is greater than RA rho LA by A. Implying LB is greater than LA. समझा क्या? ये रहे रेडियस सेम दे रखा था. हाँ सर. ठीक है, तो क्योंकि L1 greater than L2 है तो इसीलिए B क्या आएगा, this implies answer क्या होगा, L1 is for B. किसी बच्चे को लिखना है क्या, raise hand कर देना अगर लिखना है तो. अगर किसी का रेज्ड हैंड नहीं होगा तो आई विल मूव फॉरवर्ड. आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स एज ऑफ नाउ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों. हेलो, सॉल्व रेज हैंड कर लो बच्चों जो भी सॉल्व करते हैं.
नहीं अमन गलत है। श्रुति गलत है। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आना चाहिए आंसर यार। प्रशस्त अभी आपका ठीक है। ये सुट जो है बच्चा इसने न्यूमरेटर में एल मिस कर दिया है। सही है, आपने भी लेंथ मिस कर दी है न्यूमरेटर में। आंचल सही है, ईशान सही है। लास्ट वन मिनट फॉर फर्स्ट पार्ट। ईशान डिनोमिनेटर में टू मिसिंग है। आमन सही है आंसर। डी पार्ट सही है। सेकंड वाला गलत है। सही है।
चलो हर्ष करें डिस्कस. हाँ सर. फर्स्ट पार्ट में हम मतलब में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हॉलो सिलेंडर है जिसका लेंथ एल है, इनर एंड आउटर रेडियस ए दे रखा है, ए एंड बी, रेजिस्टिविटी रो दे रखा है, रेजिस्टेंस फिगर आउट करना है अक्रॉस एम एंड एन. मतलब ये वाला पार्ट हॉलो है, बचा हुआ भरा हुआ है, करेक्ट? हाँ सर. तो अगर मैं देखूंगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया में से छोटा वाला एरिया, ये खाली वाला एरिया माइनस कर दूं. हाँ सर. राइट. तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए. राइट. सो ए आ जाएगा हमारा पहले के केस में पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर. राइट. दिस इंप्लाइज आर आ गया हमारा डायरेक्टली रो एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो रेज हैंड कर देना. ओके. ये नोट डाउन कर लो अगर करना है तो, किसी को रेज हैंड करके, ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं. अमन रेज हैंड करो, ऐसे रैंडम मैसेजेस का मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करता हूं. आपको इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, आपने एक सिर्फ क्वेश्चन मार्क भेज दिया, मतलब मैं इसको क्या फिगर आउट करूं. हाँ आपने आंसर देख भेजा है, अभी देखा मैंने. ठीक है, बहुत मैसेजेस आते हैं बच्चे, ऊपर नीचे करना पड़ता है उसमें. और रेज हैंड क्या करो ना बच्चे प्लीज. ठीक है, तो हर्ष यहाँ तक क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें कहाँ से किस किस के बीच में पूछा है. इनर एंड आउटर सरफेस, मतलब इनर सरफेस तो हमारा ये है और आउटर ये है, इसके बीच में. तो अब हम हमारा करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा. हाँ सर. राइट. तो देखते जाना सेकंड पार्ट के लिए. ये हमारा कंडक्टर हो गया. राइट. यस. इसमें जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे इनर टू आउटर, रेडियस चेंज होगा, इंक्रीज होता जाएगा. हाँ सर. तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक आर रेडियस पे डी आर थिकनेस कंसिडर कर लेता हूं. ओके. हाँ सर. हमने क्या कंसिडर किया, डी आर थिकनेस ऑफ रेडियस आर, इसकी लेंथ भी क्या रहेगी, एल ही रहेगी. ठीक है. यस सर. देन एलिमेंट ऑफ लेंथ एल रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर is considered.
राइट यस अब ये डी आर जो थिकनेस कंसिडर करिए वो यहाँ पे आएगी हाँ सर राइट तो ये थिकनेस हमारी डी आर है ना अब हमें हम जाग करंट कैसे फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से या इस तरीके से राइट हाँ सर दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ओके तो जब ऐसे फ्लो करेगा तो एज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए इन आर केस डी आर विल बी इक्वल टू रो डी आर बाय टू पाई आर एल हमारे केस में क्या होगा एल लेंथ जो होगी वो डी आर हो जाएगी जो भी थिकनेस है क्योंकि ऐसे फ्लो करता है ना तो ये लेंथ लेंगे करेक्ट अब एरिया जो होगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया राइट यस टू पाई आर एल समझा क्या हाँ सर सो दिस इंप्लाइज आर विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रो डी आर बाय टू पाई आर एल जिसमें हम कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं रो बाय टू पाई एल बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर राइट आर आ गया मेरा कितना रो बाय टू पाई एल डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन होगा एल एन आर और आर कहां से कहां तक वेरी करेगा ए टू बी तो आर आ गया हमारे यहां से रो बाय टू पाई एल एल एन बी बाय ए log b minus log a will be ln b by समझा yes note down करना है second part किसी को raise hand कर देना if I have to wait sir sir direction कैसे determine किया current का मतलब वो current का direction उसमें दे रखा है inner and outer surface हाँ sir okay तो या तो अंदर से बाहर जाता होगा या बाहर से अंदर जाता होगा right हाँ sir लिखा है ना P to Q लिखना है क्या किसी को I cannot see any hands और सर आपको लिखना है नहीं सर ओके ओके फाइन यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट शेडिंग देखते हैं रजिस्टर के ऊपर ये कलर कोडिंग and tolerances for resistance color coding and tolerances for resistance so basically hota kya hai ki aapko 5 ohm ka resistor chahiye theek hai experimental data ke liye मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए तो आप क्या कहते हो शॉपकीपर से जाके मांगते हो कि मुझे 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दो तब वो 5 ओम का है या 4 ओम का है ये आप कैसे फिगर आउट करोगे तो वो आप है ना एक पर्टिकुलर रिंग्स बनी होती है उसके बेसिस पे आप उस ऑब्जेक्ट को देख के उसका रेजिस्टेंस फिगर आउट कर सकते हैं ठीक है तो वो टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ ओके हर्ष हाँ सर
जब बाजार में जाते हैं तो हमें ऐसे सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस दिया जाता है, रजिस्टर दिया जाता है, ठीक है? Yes. उसमें क्या होता है, रिंग्स बनी होती है, रिंग्स को मैं ऐसे चार रिंग्स बनी होती है, ठीक है? इनको नेम कर देते हैं अपन ABCD, ठीक है? इन रिंग्स के बेसिस पे अपन फिगर आउट करेंगे क्या होता है। फटाफट में नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। इसमें एक चीज मैं नीचे लिख रहा हूँ, रिंग्स हैव डिफरेंट कलर्स, या रिंग्स आर कलर्ड, डन सर। ओके, तो इन रिंग्स की क्या होते हैं, कलर होते हैं, उन कलर के बेसिस पर हम रजिस्टर फिगर आउट करते हैं। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल के बेसिस पे अपन देख सकते हैं। टेबल रखी क्या बुक में, एक मिनट, मैं करन डेंसिटी पढ़ा दूँ, हाँ दे रखा ना। हाँ बच्चे देखो, हर्ष होता क्या है, हम ऑडिबल टू, हाँ। सो अगर स्ट्रिप ए, मतलब पहली वाली स्ट्रिप, उसमें ब्लैक कलर होगा तो ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 0, व्हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 1, रेड के अकॉर्डिंग 2, ये नंबर्स हैं, नंबर के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है? यस सर। अब इस ऑर्डर को हमें याद रखना है, अरे यार टेबल गलत है, तो टेबल ये गलत है कि यहाँ पे ये ब्राउन आएगा, ओके okay. है ना? इसको याद करने की टेक्निक क्या है, इस ऑर्डर को ये इस तरीके से दे रखा है और 9 तक जाएगा। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ याद करने के लिए। एक आदमी है जिसका नाम है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, has very good wife wearing gold and silver. तो इस स्टेटमेंट के हेल्प से आप पूरा फिगर आउट कर सकते हो कैसे
बीबी रॉय, ये सारे आपको मैं इसको एक मिनट कैपिटल्स में, तो जो भी कैपिटल्स में है बी बी आर ओ वाई, ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो जी कैपिटल में है, ग्रीन ब्लू, हैज वेरी गुड वाइफ वॉयलेट, वेयरिंग गोल्ड, मतलब गुड वाइफ सॉरी, तो ग्रे और वाइट आ गया, और उसके बाद गोल्डन सिल्वर, ठीक है। इसमें अब ये कन्फ्यूजन होता है कि तीन भी हैं, तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हो जो मैंने अपने टाइम पे याद किया था कि जो कलर्स हैं वो क्या हो रहे, डार्कर टू लाइटर शेड है, शेड है, मतलब ब्लैक इज डार्कर देन ब्राउन, क्योंकि तीन भी आएंगे ना, यस सर, एंड ब्राउन इज डार्कर देन ब्लू, ओके। सेम वे में दो जी आएंगे ग्रीन एंड ग्रे, तो उसमें भी आप वही फंडा अप्लाई कर सकते हो, तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। अब इसका रेजिस्टेंस बताने का तरीका क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां पे लिखोगे आप एक का डिजिट, जो भी कलर है उसके अकॉर्डिंग डिजिट, मान लो अगर ब्लैक है तो डिजिट कितना आ जाएगा बच्चे, जीरो आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे सेकंड डिजिट बी का, तो अगर मान लो ये रेड है तो इसका डिजिट कितना आ जाएगा टू, टू, हाँ सर, करेक्ट। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लायर, ठीक है, मान लो ग्रीन है तो पहले हम एग्जांपल से देख रहे जीरो ब्लैक की वजह से, रेड की वजह से टू, और मान लो ग्रीन है तो उसका मल्टीप्लायर कितना आएगा, 10 की पावर 5। और फिर आता है प्लस माइनस डी, डी इज व्हाट, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब क्या है, बेसिकली हम जो क्या कहते हैं कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, उसमें क्या होता है एरर आ सकता है, एरर yes. आ सकता है, तो एरर प्लस माइनस 5 सिल्वर या नन का इतना होगा, समझा क्या, ओके okay. इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ये प्लस माइनस है, करो नोट डाउन। मल्टीप्लायर नहीं समझा बच्चे, लिखने का तरीका है कि है ना कितना, अगर सी स्ट्रिप देखेंगे और सी स्ट्रिप पे मान लो ग्रीन कलर है तो उसका 10 की पावर 5 वाला फैक्टर यहाँ लिखेंगे अमन, समझा क्या, अभी एग्जांपल करा रहा हूं,
हर्ष नोट डाउन हो जाए तो बता देना. हो गया हो गया ठीक है. सो आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, तो आगे देखते हैं. तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे. गिवन है ए इज वॉयलेट, बी इज रेड, सी इज ऑरेंज एंड रेड is orange and D is silver, then its resistance will be, अगर हम देखेंगे तो क्या है, violet, red, orange. वॉलेट रेड ऑरेंज ये है. हाँ सर. तो क्या आएगा आंसर, और उसके बाद लास्ट वाला क्या है, सिल्वर. तो आंसर क्या आएगा इसमें देखेंगे तो आर विल बी इक्वल टू वॉलेट का कितना 7.2 इंटू 10^3 प्लस माइनस 10% फॉर डी राइट. हाँ सर. तो आर आ जाएगा आपका 72 × 10^3 प्लस माइनस 10% ओम. ये ओम का सिंबल है, समझा क्या? Yes. करो कॉपी. एक क्वेश्चन आप लोग कर लो ठीक है. हमें गिवन है यहाँ पे पहली कॉर्ड जो है वो है ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, और हमें दे रखा है फोर्थ कॉर्ड इज मिसिंग. आपसे पूछा गया फाइंड इट्स रेजिस्टेंस. करो कैलकुलेट.
सही है बच्चों। सर्वेश, ईशान, प्रशस्त एंड हर्ष, सही है दोनों, ईशान आप दोनों का सही है, हर्ष आपने बीच में कुछ मिस करा है। लास्ट 30 सेकंड्स। आंसर सही है बच्चे आपका, लोअर योर हैंड प्लीज। हर्ष करें डिस्कस। यस सर। मिसिंग का मतलब क्या है? मिसिंग इंप्लाइज नो कलर, क्योंकि फोर्थ कॉर्ड मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि वहां लिखा रहेगा कि नो कलर है। हाँ सर। राइट, वो तो क्या कर देंगे, वो गायब कर देंगे, नन। राइट, तो नो कलर का मतलब क्या हो गया? ग्रीन का तो हो गया हमारा, ग्रीन का हो गया 5, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड नन इज दिस। राइट, तो 56 × 10⁻¹⁹, 10 - 20% आंसर आ जाएगा। 56 × 10⁻¹⁹ ±20%। समझा हर्ष? लिखना है? नहीं सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट नोट डाउन करते हैं। टेम्परेचर, डिपेंडेंस, ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो इसमें होता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इज रो नॉट 1 + α Δt। यहाँ पे यह आता है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0°C और ज्यादा 273 केल्विन, और ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टिविटी होगा। अल्फा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो तो फटाफट लिख रहा हूं, ये आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर, और डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, और सिमिलरली
RT can be written as R naught 1 plus alpha delta T. Okay, Harsh? Yes, sir. Karan, note down. जहां पे मैंने 0 degree Celsius लिखा है ना, इसको हम ले सकते हैं, और आठ रेफरेंस टेम्परेचर ये भी ले सकते हैं. मतलब 10 से 100 लेके गए तो ये वाला 10 वाला हो जाएगा R2 नॉट. एनसीईआरटी में वो 0 degree Celsius दे रखा है टू गेट द प्रिसाइज वैल्यू. अप्रोक्सीमेटली रेफरेंस टेम्परेचर से भी आंसर आ जाता है. सर, किसी बच्चे का बाकी है क्या? एक दो बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर. करो सॉल्व बच्चों. ईशान यार चेक करो आंसर गलत आ रहा है ये आपने जो लिखा है. हाँ अमन प्रशांत सही है. प्रशांत 10 की पावर गलत है. विवेक सही है. आंसर इज 4 × 10⁻³. चेक कर लेते हैं. हर्ष? यस सर. तो हम क्या देख सकते हैं, आर टी इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट? हाँ सर. सो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी. तो दिस इंप्लाइज R नॉट अल्फा डेल्टा टी कितना आ गया, RT माइनस R नॉट. क्या पूछा गया उन्होंने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ही पूछा ना, राइट? तो अल्फा की वैल्यू आ गई RT माइनस R नॉट बाय R नॉट डेल्टा टी, दैट इज 20
6.4 minus 20 upon 20 into 80 minus 0. Right? Yes, sir. So 6.4 upon 20 into 80. 4 into 10 ki power minus 3 per degree Celsius inverse आ रहा है. Okay. Clear है? Yes. किसको लिखना है? Okay. Next question कर लो बच्चों. करो कैलकुलेट. हाँ ईशान सही है. Five zero two zero is correct answer. 50-20 is the correct answer. Last 1 minute. माइक ऑन करो हर्ष. यस सर.
क्या दे रखा है, अ मेटालिक वायर है, रेजिस्टेंस दिस एट 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ सेम मेटालिक वायर बिकम्स दिस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है 120 से 240 जा रहा है, तो as RT is R naught 1 plus alpha delta T, इसको हम लिख देते हैं 240, right? ये दे रखा है 120, 1 plus alpha 2 into 10, thank you, minus 40. माइनस 40 डेल्टा टी होगा टी माइनस 20, यस सर करेक्ट, सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 40, राइट, यस तो 1 आ जाएगा 1 इज 2 इनटू 10 रेज़ टू पावर 4 है, 40 नहीं हो सकता ना, डिग्री सेल्सियस है ना वो, ये माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, यस टू इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 टी माइनस 20, तो यहाँ आ जाएगा 1 by 2 into 10 raised to power 4, T minus 20. So T minus 20 comes out to be 10,000 by 2 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, और T is equals to 5020 degree Celsius. That is the answer, right? Yes. हाँ. किसी बच्चे को लिखना है क्या? ओके, यहां तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट और गिवन है 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 and so on in parallel combination. करो सॉल्व करते हैं, रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व करते हैं.
नहीं हर्ष गलत है आंसर। फाइव अल्फा बाय फोर दैट इज करेक्ट। चलो यार डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष यस हाँ बच्चे तो आर इक्विवेलेंट हमें ये दे रखा है। अब दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है मतलब थर्मल कोएफिशिएंट राइट। आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। तो हमारे अकॉर्डिंग आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 plus R2 यस राइट। अब आर वन की वैल्यू लिख सकता हूं मैं आर नॉट ओके वन प्लस अल्फा डेल्टा टी राइट। दूसरा लिख सकता हूं मैं आर टू को आर नॉट वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी या फिर इसको डायरेक्ट लिख देते हम तो पहले वाले में अल्फा था ना दूसरे वाले में थ्री सर टू अल्फा डेल्टा टी ठीक। आर वन की वैल्यू आर दे रखी है और उसकी वैल्यू थ्री आर दे रखी है करेक्ट यस सर है ना। तो हमारा एंड लेट R equivalent be R naught 1 plus alpha equivalent delta T correct Harsh हाँ सर आवाज आ रही है हाँ सर so which implies R naught 1 plus alpha equivalent delta T can be written as R1 R2 है ना तो R naught 1 plus alpha delta T R naught 1 plus 2 alpha delta T upon R naught 1 plus alpha delta T plus R naught
वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी. यस सर. राइट. हाँ सर. तो न्यूमरेटर में हमारा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया. राइट. हाँ सर. बचा वन प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी. यह आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी. डिनोमिनेटर में मैं आर नॉट कॉमन ले लेता हूं. वन प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी. राइट. यस सर. तो अगर अपन ये देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? वन प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आएगा? वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी. ठीक है. वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी प्लस टू अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर. ये आ जाएगा. यस सर. और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा टू प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी. राइट. यस सर. ओके. तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली जीरो बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल. तो उसको हम अल्फा स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा. ठीक है. तो वन प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी कम्स आउट टू बी व्हाट? वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी अपॉन टू प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी. राइट. इसको सॉल्व कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई गेस टू प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी प्लस टू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी प्लस टू थ्री अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस थ्री अल्फा डेल्टा टी. राइट. कैलकुलेशन एरर किया है मैंने. टू प्लस टू इक्विवेलेंट डेल्टा टी थ्री प्लस नेगेटिव में आता है ना आंसर. थ्री आर था, मैंने आर नॉट ही ले लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी ना प्रॉपरली. ठीक है यार. देखो इधर मैं इसको तब कर रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती देख ली मेरी. यहाँ पे क्या है, ये आर नॉट डाल देना, ये सब ये थ्री आर दे रखा है ना बच्चे. हाँ तो मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ और मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका जब भी करेंगे ना तो विद सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा आपको. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. चलो सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. एल्स आई एम बाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ. ओके बाय बच्चों.